मॉर्निंग एवरीवन, अभी मेरे साथ मयूर है और आप देख सकते हैं कि पीछे और भी राइडर्स हैं। सो आज के राइड का जो टोटल काउंट है वो 32 राइडर्स है। अभी आप पूछोगे कि इतना राइडर्स काउंट कैसे बढ़ा ऑल सडन, तो आज की राइड बहुत ही खास है। मयूर ने कल एक सीक्रेट प्लेस ढूंढ के निकाला है, सो कार्तिक के साथ हम वहाँ पर चिटचैट करेंगे ओवर द टी। सो मयूर कुछ बताना चाहोगे कि ये प्लेस कहाँ पर है, क्या है, या थोड़ा हमें अभी भी थोड़ा सा ऐसा ये फिलहाल सीक्रेट ही रहने वाला है जब तक हम लोग वो लोकेशन पहुँचे। मोस्टली आपको पता होगा लेकिन हाँ ये बाकी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए तब तक हम लोग को इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखना है, पसंद करेंगे। अराउंड 32 to 35 राइडर्स एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ और 4-5 लोग पूरे ग्रुप को देख के मॉर्निंग में और ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। और मयूर मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ और मुझे लग रहा है कि ये प्लेस मैंने नहीं देखा है, लेट्स सी कि वो मैंने देखा है नहीं देखा है, बाद में पता करते हैं। और मुझे लग रहा है अभी अगर मैं काउंट ले लूँ तो 15 लोग तो अभी हमारे साथ जुड़ी गए हैं। और यहाँ पे चैतन्य है बीसी के साथ, तो ये बीसी वाले आज मदुरई में राइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आप पीछे देख ही सकते हो कि कितना काउंट है, नंबर्स बढ़ने वाले पूरे टाइम। चलो बाय मयूर, देखते हैं ओवर द राइड। ओके या आज के राइड का जो पहला अट्रैक्शन है कार्तिक मिस्त्री, ही इज अ सीनियर BRM राइडर। कितना काउंट है आज के राइड का? 26 26 फिलहाल है, तो अभी भी कितना 5 लोग शॉर्ट है। एक्चुअली 10 के ऊपर शॉर्ट, 10% तो कंटिजेंसी होता है। ओके किसी भी ग्रुप का जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है वो DCN है। DCN मतलब कल्चर चेक नाका, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DCN बोलते हैं। तो कभी भी विरार साइड जो भी राइड है एनी ग्रुप का, मुंबई में जितने भी साइकिलिस्ट हैं, अगर विरार साइड राइड कर रहे हो तो DCN मीटिंग पॉइंट उनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर आगे राइड करते हैं। चेकिंग राइड डिटेल्स, ओके मीटिंग मैसेज आ गया अली भाई। We are now leaving from this DCN meeting point, that is Daisar Chek Naka.
मॉर्निंग संकेत. वेरी गुड मॉर्निंग. तो संकेत, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट, कि आज के राइड का ऐसा क्या वो एक एक्साइटेड मोमेंट है जो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं आज राइड पे आ जाऊं, हाँ, और इतने सारे लोग आ गए. एक तो आज का जो राइड है वो काफ़ी टाइम के बाद अरेंज हुआ है. जो एक है अपना स्नो राइडर है कार्तिक मिस्त्री, जो हमारे साथ आज राइड कर रहे हैं. लोग बोलते हैं कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ओ लाइक अ डॉन. यस, लेकिन आज फाइनली उसको पकड़ लिया है. तो अभी वही जा रहे हैं, अभी थोड़ा चाय पानी करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे, उसकी स्टोरियाँ ज़रा सुनेंगे. सो ये था संकेत मिस्त्री का अपडेट. और जो हमारे प्रो राइडर है वो भी इनके सरनेम फैमिली से ही है, कार्तिक मिस्त्री. सो शायद मुझे लग रहा है संकेत भी आगे जाके प्रो राइडर बन जाए. अरे भाई, तू हमें याद रखना. काफ़ी सारे राइडर्स आज ज्वाइन हुए हैं. आगे छोटा छोटा ग्रुप करके राइडर्स अपने बड़ी के साथ बात करते करते राइड कर रहे हैं. मॉर्निंग आवर्स है, बहुत ही रिफ्रेशिंग आवर्स है. तो मेरे आगे संजीव है जिनका खुद का जुम्बा क्लासेस भी है. इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी जुम्बा क्लासेस प्लीज कॉन्टैक्ट हिम. प्रीति रोडी ना आणली आज? अरे नाही, चालवली ना, मध्ये चेन तुटलेली ना. ओके, अच्छा तरीच मी बोललो. आज रोडी कशी काय नाही? कार्तिक आपने तो बहुत पब्लिक खींच ली आज राइड के लिए. इतना रहा काउंट तो नॉर्मल राइड में भी नहीं होता है. स्पेशल आपने रखा है. दूर ने हमें अभी जहाँ से एक्चुअल उत्तन रोड शुरू होता है वहाँ पे एक जंक्शन आता है पहले, तो वो जंक्शन पे सारे राइडर्स को रुका दिया है. शायद यहाँ से ही वो सीक्रेट प्लेस का लोकेशन है. और यहाँ से एक अंदर रोड जा रहा है, पहले कभी हमने राइड नहीं किया है. लेट्स सी ये रोड कहाँ पे जाता है. मयूर कहाँ पे जाता है? ये एक सीक्रेट लोकेशन पे चलता है. चलिए चल. सो सीक्रेट प्लेस का ये दूसरा सीक्रेट टर्न है जो कि फिर से राइट में जा रहा है अंदर. और बहुत ही ग्रीनरी दिख रहा है. यहाँ पे बहुत सारे रनर्स भी हैं जो सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं. बाकी राइडर्स के लिए हम यहाँ पे रुके ताकि यहाँ से कोई मिस ना हो जाए ये टर्न. स्वामी आ गई है, कार्तिक भी आ गया है. योर नेम? किरण. किरण भी आ गया है. सो नाउ इट इज़ गुड टू गो. यहाँ से शायद सारे राइडर्स आ गए. यहाँ पे सही में ये सीक्रेट प्लेस ही है. आप देख ही सकते हो कि संकेत के पीछे एक सीक्रेट आइलैंड दिख रहा है जो कि इतनी बार हम उत्तन रोड पे चला चुके हैं बट अभी तक ऐसा हमने ये साइड कभी भी नहीं चलाया और ये वाला नज़ारा कभी भी नहीं दिखा. सो संकेत कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ का जो रोड है वो तो एकदम सिंगल लेन है, बहुत स्मूथ है. और उसके बाद यहाँ पर इतना जो क्लाइमेट है कि मतलब एकदम कूल क्लाइमेट है. टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री डाउन रहेगा. यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी सारे रनर्स भी दिख रहे हैं. और ये वाला जो एरिया बोल रहे हैं वो कुछ तो सत्संग वाला एरिया है. भाईंदर सत्संग मैंने कुछ पढ़ा था वहाँ पे पीछे. यस करेक्ट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है. ट्रैफिक नहीं है, कोई व्हीक्यूलर ट्रैफिक नहीं है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. देखते हैं अभी आगे जाके कैसा है. लेट्स सी. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. आजू बाजू आप देख ही सकते हो कि कितना ग्रीनरी है. मयूर ने हमें सही जगह पे लाया है. यहाँ पे मैंने कभी भी राइड नहीं किया है
इतनी बार हम उत्तर आते हैं बट यहाँ पे कभी भी नहीं राइड किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा भाईंदर का खाड़ी है जहाँ पे मैंग्रोव भी है और लोकेलिटी वाइज भी बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। एयर भी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। नाइस, थैंक्स थैंक्स मयूर। फिशिंग नेट भी यहाँ पे लगाया हुआ है लोगों ने जो कि लोकल रहेंगे यहाँ के। आई गेस वी हैव रीच अवर सीक्रेट लोकेशन जहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया है। सारे राइडर्स आ गए हैं और आई एम श्योर ये 32 से ज़्यादा ही काउंट है। पीछे और भी लोग आ रहे हैं। मयूर ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें सीक्रेट प्लेस पे लेके जाएगा। अमेजिंग प्लेस एंड इट्स अमेजिंग प्लेस। यस, संजू ने भी बोला है कि इट्स अमेजिंग प्लेस। हम राइडर ने ये प्लेस कभी भी नहीं देखा था। दो वी आर राइडिंग ऑन दिस उत्तन रोड। सो थैंक्स मयूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। प्लीज एंजॉय द व्यू। अभी वही सोचते हैं अभी है ना। एक कार्तिक मिश्री के बारे में अगर मैं बताऊं ये सीक्रेट तो दिस इज द राइट प्लेस टू एक्सप्लेन अबाउट द कार्तिक मिश्री। तो उसका जो करियर है साइकिलिंग करियर है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सो इफ आई गो लाइक दैट कि कार्तिक मिश्री इज आवर वेरी ओन मेंटर एंड प्रो एंड्योरेंस राइडर। ही इज टू टाइम सीनियर रैंडेनियर वेयर ही हैज पार्टिसिपेट इन 34 ब्रेवेट इन विच ही कंप्लीटेड 30 एंड 4 डिड नॉट फिनिश। फिनिश करना बहुत ही मुश्किल होता है बट पार्टिसिपेट करना है ऐसे इवेंट्स में दैट इज द बिगेस्ट थिंग। कार्तिक हैज कंप्लीटेड डेक्कन क्लिफ हैंगर रेस ऑफ 646 किलोमीटर्स एंड पुणे टू गोवा इन 34 आवर्स। ही हैज रोड मुंबई टू कच्छ 950 किलोमीटर्स एंड 750 मुंबई टू पालनपुर। सो बहुत ही अच्छा सीवी है कार्तिक का। एक्चुअली मुझे लग रहा है यही रीज़न है कि इतने सारे राइडर्स को उसने अपने पास अट्रैक्ट किया हुआ है आज के राइड के लिए। सो दिस इज द ओनली थिंग विच एक्साइटेड मोस्ट ऑफ द राइडर्स टुडे। संकेत जो कि हमारे एडमिन ने आज पार्टी देने वाले गाड़ी का। अरे यार नहीं, उत्तन रोड पे पीछे पीछे आया तू। इसका फोन चालू हो गया। अच्छा, पार्टी का नाम सुनते ही फोन चालू हो गया। This place is so nice, you know. I'll come here next time with my girlfriend. As time goes by with you.